લદ્દાખને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ જાહેર કરવા બદલ લદ્દાખમાં ઉત્સવનો માહોલ છવાઈ ચૂક્યો છે. અહીંના આવેલા બૌદ્ધ મઠની અંદર ઉજવણી શરૂ કરવામાં આવી છે અને ઉજવણીમાં સામેલ થવા મુસ્લિમ આગેવાનોને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું. મઠને સજાવવામાં આવ્યો. પહેલા અહીં જમ્મુ કાશ્મીરના ઝંડા ફરકતા હતા, પરંતુ હવે તિરંગો લહેરાવવાનું શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. લોકોએ તિરંગો લહેરાવીને કેન્દ્ર સરકારનો આભાર માન્યો. લોકોએ રાષ્ટ્રધ્વજને હાથમાં લઈ રાષ્ટ્રગીતનું ગાન કરીને વંદે માતરમના નારા લગાવ્યા. આ દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ રહ્યા છો, તેમના ચહેરા પર ખુશી છે અને ખુશી પણ અત્યારે બખૂબી રૂપે તેમના ચહેરા ઉપર સ્પષ્ટ વર્તાઈ રહી છે. જમ્મુ ઓર કાશ્મીર સે લદ્દાખ કો અલગ કરને કે બાદ અલગ સે યુનિયન ટેરિટરી બનાને કે ફેસલે કો લેકર આજ લદ્દાખ કે લેહ શહેર મે એક બહોત બડે જશ્ન કા આયોજન કિયા જા રહા હૈ, જિસમે પૂરે લદ્દાખ સે લોગો કો બુલાયા જા ગયા હૈ और इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों को बुलाया गया है. आप देख सकते हैं, एक तरफ आम जनता बैठी है और दूसरी तरफ जो बौद्ध धर्म गुरु के बौद्ध भिक्षु हैं उनको बड़ी तादाद में बुलाया गया है. यहाँ की लोकल जो आम जनता है उनको बुलाया गया है, बड़ी तादाद में युवा बुजुर्ग और ये तमाम लोग शामिल हुए हैं. और थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर बाकायदा एक केक काट के जश्न की शुरुआत की जाएगी. उसके बाद गाने से लेकर डांस तक का कार्यक्रम रखा गया है. जो ट्रेडिशनल डांस है यहाँ का लद्दाख का, उसका भी आयोजन किया गया है. और इसके अलावा सामने जो इनका बुद्धिस्ट जो मंदिर है इनका, उसको भी सजाया और संवारा गया है. जितने आप झंडे देख रहे हैं, इन सभी नए झंडों को कल लगाया गया था. कल तक पुराने झंडे लगे हुए थे और उसके बाद इसके ऊपर एक मंच बनाया गया जहां पर जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं पीटी कुंजांग, वो मौजूद रहेंगे. इसके अलावा इस लड़ाई में उनके साथ मुस्लिम एसोसिएशन के डॉक्टर कयूम मंच पर बैठे रहेंगे और अलग अलग तबकों अलग अलग धर्मों के लोगों को भी मंच पर स्थान दिया गया है जो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करने की लड़ाई एक लंबे अरसे से लड़ रहे थे. तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ जनता है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, जवान हैं और इसके अलावा बौद्ध भिक्षुकों को भी बुलाया गया है ताकि इस सेलिब्रेशन में सब लोग शामिल हो सके. और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लड़ाई को उन तमाम लोगों ने लंबे अरसे से मिलकर लड़ा है, इसीलिए हर कोई इस जश्न के मौके पर एक साथ आ जाया है. और थोड़ी देर बाद ये जश्न का माहौल शुरू होगा, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे. और यहाँ ये जश्न की तस्वीरें केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार तक पहुंचाने की इनकी कोशिश है ताकि उनको पता चले कि वो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं. और इसके अलावा आप देखिए कि सेलिब्रेशन में तमाम झंडों के साथ तिरंगे झंडों को भी स्थान दिया गया है. इन तिरंगे झंडों को यहाँ से वहां तक लगाया गया पूरा एक लाइन से ताकि अपने भारतीय होने का एहसास, पहले भी ये भारतीय थे लेकिन अब चूंकि इनकी लंबे अरसे से भारत सरकार से जो मांग थी वो पूरी हो चुकी है, लिहाजा धन्यवाद देने का तिरंगा लहराकर और तमाम लोगों को बुलाकर अलग अलग तरीके से अपनी खुशी का ये लोग इजहार कर रहे हैं. कैमरा पर्सन मनीष के साथ विपिन चौबे, टीवी9 भारतवर्ष, लेह लद्दाख.